दिग्रस नगर पालिका के तहत आने वाली विभिन्न जन समस्याओं को लेकर युवा स्वाभिमानी पार्टी के जिला अध्यक्ष मंगलदास चक्रे ने 15 दिसंबर को बेमियादी अनशन का आगाज किया था। ऐसे में गुरुवार 16 दिसंबर को नगर पालिका प्रशासन ने चक्रे की मांगों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें संबंधित समस्याओं का निपटारा कराने का लिखित में आश्वासन दिया है। स्क्रीन पर नजर आ रहे ये युवा स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष मंगल दादा चक्रे हैं, जिनकी तबीयत इस समय बेहद खराब है। मालूम हो कि चक्रे ने विभिन्न नागरिक समस्याओं को लेकर दोबारा बेमियादी अनशन का 15 दिसंबर को आगाज किया था। उनकी समस्याओं में शहर के विट्ठल नगर में बनाए गए ऊंचे रास्तों से नागरिकों के घरों में पानी घुसने, अनियमित जलापूर्ति, घर को लाभार्थियों को निर्धारित समय में योजना का पांचवा हफ्ता दिए जाने आदि समस्याएं शामिल थी। मालूम हो कि बीते 29 अगस्त को भी मंगल दादा चक्रे ने नगर पालिका प्रशासन की उक्त समस्याओं की ओर अनदेखी को लेकर अनशन शुरू किया था। उस वक्त भी प्रशासन के आला अधिकारियों में लिखित में कथित आश्वासन दिया जरूर था, लेकिन उन आश्वासनों पर अमल नहीं किया, जिस वजह से मंगल दादा ने 15 दिसंबर को दोबारा अनशन शुरू किया। इस दौरान बुधवार 10 बजे से गुरुवार शाम 1 बजे तक कुल 32 घंटे भूखे रहने से उनकी तबीयत बिगड़ने से उन्हें सरकारी अस्पताल दाखिल किया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें यवतमाल रेफर करने की सलाह दी। इसकी भनक लगते ही नगर पालिका प्रशासन के निर्माण कार्य विभाग के इंजीनियर नुरुल खान और दिग्रस पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक सोनाजी आमले ने अनशन स्थल पर पहुंचकर चक्रे की तबीयत का हालचाल जाना और नगर पालिका प्रशासन ने उन्हें एक बार फिर लिखित में उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते हुए उन्हें चाय पिलाकर उनका अनशन छिड़वाया है। युवा स्वाभिमान पार्टी चे जिल्हा अध्यक्ष मंगलदादा चक्रे यांचे दिग्रस नगर परिषद प्रांगणामध्ये आमरण उपोषण सुरू आहे, पण आज दिनांक 16 डिसेंबर 2021 दिग्रस नगर परिषदेतील इंजिनियर खानसाहेब यांनी त्यांचे उपोषणाची सांगता करण्याकरिता त्यांना भेट दिली व लेखी आश्वासन दिले। ते पुढीलप्रमाणे मालूम हो कि एक बार फिर मंगलदादा चक्रे को पालिका प्रशासन ने संबंधित समस्याओं के निपटारे का आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि आगे जनता की बुनियादी मांगों उठाने वाले मंगलदादा चक्रे या किसी भी अन्य अनशनकर्ता को भविष्य में प्रशासन के खिलाफ बेमियादी अनशन का सहारा लेने की नौबत नहीं आएगी। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।